तो द नेक्स्ट लेसन वी आर डीलिंग विथ इज कॉल्ड एज रेशियो। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है ये देखते हैं। रागिनी के पास 3 पेंसिल है, मुदित हैज 4 पेंसिल। तो कंपेयर करना है नंबर ऑफ पेंसिल्स दैट रागिनी एंड मुदित हैव। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि मुदित हैज 1 पेंसिल मोर देन रागिनी, या फिर ये होगा कंपैरिजन बाय डिफरेंस, कंपैरिजन बाय डिफरेंस। लेकिन अगर हमें कंपैरिजन करना है बाय डिवीजन, तो इसको कहते हैं 3 पेंसिल्स ऑफ रागिनी इज टू 4 पेंसिल्स ऑफ मुदित। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स ऑफ रागिनी अपॉन नंबर ऑफ पेंसिल ऑफ मुदित इज 3:4। सपोज रागिनी के पास जो पेंसिल्स है उसको डिनोट करते हैं हम लेटर आर से, और मुदित के पास जो पेंसिल है वो डिनोट करते हैं लेटर एम से। तो आर अपॉन एम इज 3/4। अगर हम एम से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को, तो आर विल बी 3/4 ऑफ एम। इसका मतलब है रागिनी हैज 3/4 ऑफ द पेंसिल्स विच मुदित हैज। ठीक है, तो जब हमने ऐसे किया तो हमने किया रेशो, दो क्वांटिटी का रेशो लिया। मतलब देखो, आर है नंबर ऑफ पेंसिल्स विद रागिनी इज टू नंबर ऑफ पेंसिल्स विद मुदित इज 3:2। अगर हमें मुदित और रागिनी, अभी हमने कंपेयर किया रागिनी और मुदित के पेंसिल, अगर मुदित के पेंसिल और रागिनी के पेंसिल को कंपेयर करेंगे तो दैट इज 4:3। तो ये जो सिंबल है इज टू, दो डॉट एक के नीचे एक, ये रेशियो को डिनोट करते हैं। और इसको रीड कैसे करते हैं, 3:4 या 4:2। तो अगर मेरा रेशियो है 3:4, तो जो 3 है इसको और 4 को, इनको कहते हैं टर्म्स ऑफ द रेशियो। क्या कहते हैं इनको, टर्म्स ऑफ द रेशियो। जो फर्स्ट टर्म है 3, जो फर्स्ट टर्म है 3, उसको कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो दूसरा टर्म है 4, उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ओके, तो ये हो गया रेशो का इंट्रोडक्शन, बाकी लेसन पूरा फ्रैक्शन का है। ओके, तो इसमें कुछ फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। वी कैन फाइंड रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम यूनिट। मतलब रेशियो निकालते वक्त दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए। रेशियो हैज नो यूनिट्स एज इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। सपोज मेरे पास 3 किलो राइस है और आपके पास 4 किलो राइस है, तो रेशियो क्या है, 3 किलो अपॉन 4 किलो। 3 किलो कैसे आते हैं, 3 बार 1 किलो। 4 किलो कैसे आते हैं, 4 बार 1 किलो। तो ये 1 किलो 1 किलो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3/4, मतलब 3:4। मतलब इसका यूनिट नहीं होता। जो ऑर्डर ऑफ टर्म्स है रेशियो का इंपॉर्टेंट है। देखो अभी ये तो हम ब्लैक एंड व्हाइट होने की वजह से ये वाला एग्जांपल ले नहीं सकते हम, लेकिन जो रागिनी और मुदित का लिया था, तो रागिनी और मुदित के पेंस का रेशियो कितना था, 3:4।
मोदी तो और रागिनी के पेंस का रेशो कितना था? 4:3, ये याद रखना। राइट द रेशो ऑफ द फॉलोइंग, बंदर कितने हैं? 3। मत बंदर नहीं डॉल है वो, सॉरी डॉल है 3, वो छोटा दिखने है मेरे को, और टेडी बेयर है 4, तो 3:4। कार है 4 और साइकिल है 7, 4:7। इन अ क्लास देयर आर 25 बॉयज एंड 13 गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। देखो बॉयज कितने हैं? 25। गर्ल्स कितने हैं? 13। और टोटल कितने हैं? 25 प्लस 13 मतलब 38। द फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है? 25:13। गर्ल्स टू बॉयज 30:25। बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25:38। समझा? बहुत इजी लेसन है, बहुत इजी लेसन है, ठीक है? इससे इजी कोई भी लेसन नहीं। अ बीड ऑफ नेकलेस है 17 वाइट बीड्स। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये 3 है। तो वाइट बीड्स कितने हैं? 17। रेड बीड्स कितने हैं? 24। टोटल बीड्स कितने हैं? बीड्स मतलब मनी। टोटल बीड्स कितने हैं? 17 प्लस 24 विच इज 41। तो फाइंड द रेशियो ऑफ वाइट टू रेड, वाइट टू रेड कितना है? 17:24। रेड टू वाइट 24:17। आर द टू रेशियोज इक्वल? नो। रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, नेक्स्ट। रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म्स, इसका मेथड अलग है, अपना मेथड अलग है, हम अपने मेथड से करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो। देखो एग्जांपल लो, एग्जांपल का ए देखो, 42 grams = 35 grams। पहले तो इनको लिखो आप फ्रैक्शन फॉर्म में, 42 upon 35, 42 7 का मल्टीपल है 7, 6 का मल्टीपल है 7, 5 7 1 6 by 5। ये दो कैसे क्या बने? कोप्राइम नंबर्स। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। अभी इसको उठाओ और लिखो रेशियो फॉर्म में, 6:5। ओके, नेक्स्ट। हमने देखा है कि रेशियो अगर निकाला है तो दोनों क्वांटिटी सेम चाहिए, यूनिट सेम चाहिए। इधर देखो, 3 liter 200 milliliter, 3 liter 200 milliliter एंड 4 liter। अपने को पता है कि 1 liter is 1000 ml, तो 3 liter मतलब 3000 ml प्लस 200 ml इस टू 4000 ml। तो 3000 और 200 कितना हुआ? 3200 ml इस टू 4000 ml। सीधा इसको लिखो फ्रैक्शन फॉर्म में, 3200 upon 4000, तो जीरो तो ऐसे ही कट गए। 4 into 8, 4 into 10, 4 1 4, 8 by 10। 8 और 10 को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उनमें 2 का फैक्टर कॉमन है। 2 into 4, 2 into 5, 2 1 2 1 4 by 5, तो रेशियो क्या बनेगा इसका? 4:5। दिस इज रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका जो मेथड है वही अपना मेथड है, ठीक है? लेकिन हमने इतना डिटेल में उसको मतलब एनालाइज नहीं किया क्योंकि हमने डायरेक्टली फैक्टर फॉर्म में किया, ठीक है? एचसीएफ अगर लेंगे तो हमें एचसीएफ फाइंड करने का अलग स्टेप करना है, तो दैट इज सम टाइम कंज्यूमिंग स्टेप। ये 4:5 आंसर हो गया, ठीक है? नेक्स्ट एक्सरसाइज 2,
क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट का ए, राइट द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. 36:40, तो हम 36/40 लिखते हैं. 36 है 4 × 9, 40 है 4 × 10, 4 1s आंसर है 9:10. ओके बी 44:99, 44 है 4 × 11, 99 है 9 × 11, तो ये बनेगा 4/9, 11 1s 11, तो इसका आंसर होगा 4:9. ओके नेक्स्ट सी 45 लीटर टू 30 लीटर, 45 लीटर टू 30 लीटर, तो ये हुआ 45/30. ठीक है, तो अभी इमीडिएटली अगर क्लिक नहीं हुआ तो पता है 45 फाइव का मल्टीपल है 5 × 9, 35 का मल्टीपल है 5 × 6, 5 1s, तो ये बना 9/6, 9 है 3 × 3, 6 है 2 × 3, 3 1s 3 1s, 3/2, 3:2. नेक्स्ट 6 months to 3 years, एक क्वांटिटी का यूनिट मंथ्स है, दूसरे क्वांटिटी का यूनिट ईयर्स. तो 6 months to 3 years को हम नहीं कंपेयर कर सकते, हमें 3 years को मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा. 6 months और 3 years, 3 years मतलब 3 × 12 months. अभी हम इसको 3 × 12 = 36 नहीं करेंगे, ये है 6/3 × 12, 6 1s 6 2s 1/6, तो ये है 1:6. ठीक है नेक्स्ट 2 kg and 250 grams. E. 2 kg and 250 grams. तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. पहले का यूनिट केजी है, दूसरे का ग्राम्स है. तो 2 kilo मतलब कितना? मुझे पता है 1 kg मतलब 1000 grams. तो 2 kilo मतलब 2000 grams. एंड 250 ग्राम, इनका रेशियो निकालना है. तो 2000/250, एक जीरो तो वैसे ही चला गया. 200/25, 25 1s 25 8s, तो ये होगा 8:1. नेक्स्ट एफ 75 पैसे एंड 2.25 रुपीज. तो मुझे पता है कि 1 रुपी कितना है, 100 पैसे. तो 2.25 रुपीज कितना होगा? क्वेश्चन मार्क इज 2.25 × 100/1, मतलब 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 बार राइट में शिफ्ट होगा, 225 पैसे. तो मुझे निकालना है रेशियो 75 पैसे एंड 225 पैसे का. ठीक है, तो ये होगा आपका 75/225. ठीक है, तो 75 है आपका 25 × 3, 225 है 25 × 9, 1s and 3 1s 3 3s 1:3, तो इसका आंसर आएगा 1:3. 600 meters to 1.5 kilometers, जी वाला. जी क्या है आपका? जी क्या है? 600 meters to 1.5 kilometers. मुझे पता है 1 kilometer is 1000 meters. तो 1.5 kilometer कितना मीटर होगा? क्वेश्चन मार्क इज 1.5 × 1000/1. तो 3 बार शिफ्ट होगा, 1, 2, 3, और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 0.
तो इसलिए 1500 मीटर। तो मुझे चाहिए रेशो 600 मीटर्स और 1500 मीटर्स का, तो ये बनेगा 600/1500, 20 कट, 6/15, 3 2s are 3 5s are 2:5, आंसर आएगा 2:5। ठीक है, ये जे होने के बाद 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, वीडियो चालू रहेगा, कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मच्छर वाला अगरबत्ती लगाना है, बहुत मच्छर काट है, मैं लगाना भूल गया। एच 24 सेंटीमीटर्स टू 4 मीटर्स, मुझे पता है 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर कितना होगा 400 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 24 सेंटीमीटर्स टू 400 सेंटीमीटर्स, विच इज 24/400, विच इज 4 × 6/4 × 100, 1s are 6/100, लेकिन ये दो कोप्राइम नंबर्स नहीं है, 2 × 3/2 × 50, 2 to cancel, आंसर इज 3/50, तो रेशियो इज 3:2। मैं अभी रुक नहीं सकता, बहुत मच्छर काट रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, वीडियो चालू है। बहुत मच्छर, लेट्स प्रोसीड। थोड़ी देर में फिर से 2 मिनट का ब्रेक लूंगा वॉशरूम जाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3:50। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर आई। 380 grams टू 1 kg 900 grams, लेकिन 1 kg मतलब कितना ग्राम, 1000 grams, तो ये बनेगा 1000 gram + 900 gram विच इज 1900 gram, 380 grams to 1900 grams, तो ये बनेगा 380/1900, 10 चला गया, 19 2s are 38, 19 10s are 90, 2/10 विच इज 2 × 1/2 × 5, आंसर इज 1:5, ये 2 2 कट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं, 3 hours 20 minutes, 3 hours 20 minutes to 1 hour 30 minutes, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 minutes + 30 minutes, यूनिट सेम करने हैं, 90 minutes, और 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, 180 + 20 minutes, तो ये हो गए 200 मिनट। इनका रेशियो निकालना है 200/90, 0 0 कट, 20/9, तो रेशियो है 20:9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन अ क्लास 32 स्टूडेंट्स प्ले गिटार, गिटार वाले कितने बच्चे हैं, 32, 24 प्ले पियानो, पियानो वाले कितने हैं, 24। फाइंड रेशियो ऑफ गिटार प्लेयर्स टू दैट ऑफ पियानो प्लेयर्स, रेशियो कितना है, 32:24, तो ये है 32/1
24, 32 है 8 into 4, 24 है 8 into 3, 8 ones are 8 ones are 4 is to 3, तो गिटार इज टू पियानो वाला रेशो कितना है 4 is to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आरएन हैज 28 बुक्स एंड 42 नोटबुक्स इन हिज कबर्ड, बुक्स कितने हैं 28, नोटबुक्स कितने हैं 42। फाइंड द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म बुक्स टू नोटबुक्स, और टोटल बुक्स कितने हैं इसके पास 28 प्लस 42 मतलब 70। तो अभी उसको चाहिए ए बुक्स टू नोटबुक विच इज 28 is to 42, मतलब 28 upon 42, 28 में 7 है, 7 4s are 42 में 7 है, 7 6s are 4 by 6, लेकिन 4 और 6 कैसे नंबर नहीं है कोप्राइम, 2 into 2 2 into 3 2 1s are 2 1s are 2 is to 3, तो पहले वाले का आंसर है 2 is to 3। उसके बाद नोटबुक्स टू टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स, नोटबुक्स कितने हैं 42, क्या है रेशियो चाहिए उसको नोटबुक्स टू टोटल, टोटल मतलब बुक्स एंड नोटबुक्स, नोटबुक्स कितने हैं 42, टोटल कितने हैं 70, 42 is to 70 का रेशियो चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये है 42 upon 70, 42 में 7 है 7 6s are 70, में 7 है 7 10s are 7 1s are 6 by 10, 6 में 2 है 2 3s are 10, में 2 है 2 5s are 3 by 5। नेक्स्ट, मोहन इज 9 इयर्स ओल्ड एंड फादर इज 36 इयर्स ओल्ड, एज ऑफ मोहन कितना है 9 इयर्स, ठीक है, एज ऑफ फादर कितना है 36 इयर्स, ओके, सम ऑफ देयर एजेस 9 plus 36 45 इयर्स, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, difference of their ages 36 minus 9 27 years। Now question number A, find the ratio Mohan's age to father's age, Mohan's age to father's age 9 is to 36, 9 by 36, 9 into 1 upon 9 into 4, 1s are 1 is to 4, again, next, next है, Mohan's age to some of their ages, मतलब मोहन्स एज टू सम ऑफ देयर एजेस, मतलब 9 is to 45, मतलब 9 upon 45, 9 into 1 upon 9 into 5, 9 ones are 1 by 5, 1 is to, फादर्स एज टू डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, फादर्स एज 36, father's age 36 to difference of their ages 36 is to 27, 36 upon 27, 9 into 4 upon 9 into 3 which is 4 by 3, so iska answer hai 4 is to 3, okay, next question number 5,
मिस्टर खान अर्न्स भी 60,000 पर मंथ, टोटल सैलरी कितना है? रुपीस 60,000। ही स्पेंड्स रुपीस 45,000। स्पेंड कितना करते हैं? रुपीस 45,000। तो सेविंग कितना करते हैं? 60,000 माइनस 45,000 विच इज 15,000। कितना सेव कर रहे हैं? तो जो आता है सैलरी उसको कहते हैं इनकम, और जो करते हैं खर्च उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। अभी देखो ए, फाइंड द रेशियो इनकम टू एक्सपेंडिचर। इनकम कितना है? 60,000। एक्सपेंडिचर कितना है? 45,000। 30 चले गए, 60 है 15 × 4, 45 है 15 × 3, 15 × 1 = 4:3। इनकम टू एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 4:2। सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर सेकेंड, सेविंग कितना है? 15,000। एक्सपेंडिचर कितना है? 45,000। 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये बना 15/45 विच इज 15 × 1/15 × 3 विच इज 1:3। तो पहले वाले का आंसर है 4:3, दूसरे वाले का आंसर है 1:3, क्योंकि ये रेशियो है फ्रैक्शन नहीं। समझ लो, सेविंग्स टू इनकम, सेविंग कितना है? 15,000। इनकम कितना है? 60,000। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 15/60, 15 × 1/15 × 4, 15 × 1 = 1:4। लिखना है रेशो फॉर्म में, पहले तो केस में भूल गया था, ठीक है। एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है? 45,000। सेविंग्स कितना है? 15,000। एक्सपेंडिचर टू सेविंग 1, 2, 3, 1, 2, 3 45/15 विच इज 15 × 3 upon 15 into 1, 1 is 1, 3 upon 1, answer is 3:1. So now, there is comparison of ratios. मैं 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, वॉशरूम जाके आ रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर शट डाउन नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ। Okay, we'll continue now. Comparison of ratios. बहुत simple concept है ये, ठीक है, बहुत ही simple. Comparison of ratios में
रेशो मतलब क्या है? फ्रैक्शन। तो कंपैरिजन ऑफ रेशोज मतलब देखो पहला क्वेश्चन, व्हिच इज ग्रेटर 2:3 और 3:4, 2/3 या 3/4, ये दोनों का एलसीएम कितना है? 12। 3 को 12 बनाओ। Which is greater this, hence this. कितना सिंपल है वो, ठीक है? 3/4 is greater than 2/3. इतना बड़ा स्टोरी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है? इक्विवेलेंट रेशियोज, इक्विवेलेंट रेशियोज मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के जैसा ही है वो। फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 3/3:5, 3:5 मतलब 3/5, ये एग्जांपल 1 देख, ये वाला। इसके इक्विवेलेंट रेशियो 2 से मल्टीप्लाई करो, बच्चे बोलते हैं सर 2 से क्यूब मत करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, किसी से भी करो, लेकिन जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना। फाइंड इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 24:36। अभी जब ये 20 बड़ा नंबर आता है और बड़े नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर्स नहीं रहते, तो मैं क्या करता हूँ, उसको सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 × 6 = 4 × 9, तो ये बना 6/9, और इसका इक्विवेलेंट रेशियो ये है। जरूरी नहीं है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, आप फैक्टर निकाल के छोटा नंबर भी निकाल सकते हो, 6:9। उसके बाद 6 और 9 में कॉमन क्या है? 3 × 2/3 × 3 × 3 3 × 1 = 3 × 1 = 2/3, ये भी इसका इक्विवेलेंट रेशियो है। ओके फाइन, तो इसके दो इक्विवेलेंट रेशियो क्या है? 24/36 के या 24:36 के इक्विवेलेंट रेशियो एक है 6:9 और दूसरा है 2:3, ऐसा कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके लिए मैंने जो बेसिक लेसन थे वो लेसन से ज्यादा मैंने उनके कॉन्सेप्ट पे स्ट्रेस किया, दैट्स व्हाई यू कैन डू दिस वेरी फास्ट नाउ, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल 2 देखो, फाइंड द मिसिंग टर्म 27:21 = 9 box, कुछ मत करो, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो 27:21 = 9 से बॉक्स को n दे दिया हमने, तो 27 से 9 कैसे आया? 27 को 3 से डिवाइड किया, तो 21 को भी 3 से डिवाइड कर दो। ओके, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो n = 7 आएगा, कितना सिंपल है। ओके, 27/21 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 9:n, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो है 9:n, तो 27 से 9 कैसे आया? डिवाइड बाय 3, या 9 से 27 कैसे आएगा जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो किसको 3 से मल्टीप्लाई करके 21 आता है? 7, इसलिए आंसर है 7, ठीक है? लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3, पानी पी लेता हूँ। Let's look at exercise 3. Which of the ratios is greater? Pehla, A 3:5 ya 4:9? 3:5 3/5 hai, 4:9 4/9 hai, 5 और 9 को प्राइम नंबर से तो उनका एलसीएम कितना होगा? 45,
5 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बना 27 अपॉन 45 एंड दिस इज 20 अपॉन 45, तो ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है, ऐसे आंसर निकालना है। ठीक है, मतलब उसको लिखने का ऑर्डर चेंज भी करना है। अगर लिखने का ऑर्डर चेंज किया तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। ओके फाइन, एक मिनट मोबाइल चार्ज करो। तो नेक्स्ट 2/3 और 5/6 बी वाला कर रहे हैं हम, 2:3 और 5:6, 2/3 5/6, तो 3 और 6 का एलसीएम 6 है तो इसलिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/6, दिस इज 4/6 और 5/6, ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है, ऐसे करना है। ओके सी 45:30 और 35:21, अभी ये 45/30 ये 35/21, तो अपने को इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालते वक्त कैसे निकालेंगे, 30 एंड 21 कॉमन डिवीजन डिवाइड बाय 2 15 एंड 21 डिवाइड बाय 3 5 एंड 7 डिवाइड बाय 5 1 एंड 7 डिवाइड बाय 7 1 एंड 1, तो एलसीएम कितना होगा, 3 2 6। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि 10 मिल रहा है हमें, 2 × 5 = 10, 3 × 7 = 21, 21 × 10 = 210, तो इसका एलसीएम बना 210, 30 को 210 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया हम, इंटू 7, तो ये हो गया 45 × 7, 21 को 210 करने के लिए इंटू 10, तो ये 35 × 10, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 31, 315/210, ये 350/210, ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50:70 और 40:90, अभी इसको हम लिख सकते हैं 5/7 एंड 4/9, क्यों, 10 कॉमन है, 9 7 = 63, 7 और 9 कैसे नंबर है, को प्राइम, तो 7 को बनाना है 63, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 5 को 9 से, ये बनेगा 45/63, 9 को 7 से, 4 को 7 से, ये बनेगा 28/63, ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। अभी ये इक्विवेलेंट रेशियो निकालने का कॉन्सेप्ट जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, याद रखना याद रखना, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी सिमिलर मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशियो बनाने हैं 3/7 के, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो बनेगा 6/14, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप 10 से करो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं कि आपके पसंदीदा नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, किसी से भी कर सकते, 7 × 10 दिस इज 30/70, तो 3 इक्विवेलेंट रेशियो क्या है, 6:14, 12:28, 30:7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड थ्री इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 8:11। 8:11 मतलब 8 by 11, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं सबसे पहले, तो बना 16 upon 22। फिर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 into 3 11 into 3, तो बनेगा 24 upon 33। और 10 से तो कर ही देता हूँ, 8 by 11, 8 into 10 11 into 10, 80 upon 110। तो तीन इक्विवेलेंट रेशो क्या है, पहला है 16:22, दूसरा है 24:30 और तीसरा है 80:110। ऐसे करते हैं सॉल्व इसको। नेक्स्ट 36:54, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 36:50, 36/50, हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, 36/52, 36 into 2 upon 54 into 2, ये 72/108। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। देखो 36/54 is 2 into 18 upon 2 into 27, 2 ones are 2 ones, ये बना 18/27। 36 और 54 में 3 भी कॉमन है, मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 into 12 upon 3 into 18, तो बना 12/18। ये भी इसका इक्विवेलेंट रेशो है। तो बड़े नंबर का इक्विवेलेंट रेशो छोटा नंबर का रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो आंसर क्या है, इक्विवेलेंट रेशोज क्या है, पहला है 72:108, दूसरा है 18:27, तीसरा है 12:8। नेक्स्ट 48:60, 48:60 मतलब 48 upon, तो हम लोग इसको डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट से ही चलाते हैं। 48 का फैक्टर 4 है, 60 का भी फैक्टर 4 है, तो दिस इज 4 into 12 upon 4 into 15, 4 ones are 1, दिस इज 12 upon 15। दूसरा, दोनों का फैक्टर 6 है, 48 upon 60, 6 8s are 48, 6 10s are 60, तो ये बना 8 upon 10। उसके बाद 48 upon, अपने को देखा है हमने कि ये 12 upon 15 है और दोनों का फैक्टर 3 भी है, तो दिस इज 3 into 16 upon 3 into 20, तो ये बना 16 upon 20। तो इसके तीन इक्विवेलेंट रेशियोज एकदम अजीब से बने, 12:15, 8:10, 16:20। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 36:55, 36:55, देखो बहुत ही मतलब बच्चों वाला काम है। 3:5 is 12:5, 3 को काय से मल्टीप्लाई किया तो 12 मिला, इंटू 4, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा इधर, 20। T 18:16 is something upon 8, 16 को क्या किया तो 8 मिला, डिवाइड बाय 2, तो 18 को डिवाइड बाय 2 किया तो क्या मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट 6:7 is equal to 36:6, देखो 6 upon 7 is 36 upon box, 6 को क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया 36 मिला, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 42। नेक्स्ट
डैश इज टू 49 इज 2 इज टू 7 ये देख रहे हैं हम बॉक्स अपॉन 49 इज 2 अपॉन 7 7 को क्या किया इनटू 7 2 को क्या करेंगे इनटू 7 तो यहां पे क्या मिलेगा 40 नेक्स्ट इसी के वर्ड प्रॉब्लम से इसी एक्सरसाइज के कंटिन्यू मिसेस वर्मा यूजेस 6 कप्स ऑफ फ्लोर टू मेक 18 कप की फ्लोर कितना यूज कर रही हो 1 कप कप के कितने बनाए उसने 18 हमने कपकेक्स विल शी मेक विद 12 कप्स ऑफ फ्लोर अगर 12 कप ऑफ फ्लोर है तो कितने कपकेक बनाएगी हो क्वेश्चन मार्क इज 12 इनटू 18 अपॉन 6 आई एम रिलेटेड मेथड काम में 36 कितने कपकेक्स बनाएगी हो 36 रेशियो का प्रॉब्लम हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया अ ट्रैवल अ कार ट्रैवल्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 120 किलोमीटर टाइम कितना लगा है उसमें 3 आवर्स हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर ट्रैवल करने की कितना टाइम लगेगी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 360 इनटू 3 अपॉन 120 00 36 इनटू 3 अपॉन 12 12 वन जा 12 3 जा 3 जा 9 कितना टाइम लगेगा उसको 9 आवर्स रंजीत बॉट 5 केजी टोमेटोज फॉर रुपीज 105 सर रेशो का लेसन यूनिटरी मेथड का लेसन है रेशो का ही लेसन लेकिन हमने यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करके लाइफ इजी करना है 5 केजी टोमेटोज क्वांटिटी कितना है 5 केजी कॉस्ट कितना हुआ रुपीज 105 अनुज बॉट 4 केजी टोमेटोज फॉर रुपीज 90 ये ब्लैक वाला किसका है रंजीत का है ठीक है अनुज बॉट 4 केजी टोमेटोज फॉर रुपीज 90 अनुज ने क्या किया 4 केजी खरीदा रुपीज 90 ठीक है हु मेड अ बेटर बार्गेन हम लोग क्या करते हैं दोनों का एक क्वांटिटी कंपेयर कर लेते हैं तो सपोज हम लोग यहाँ पे 5 किलो का कॉस्ट 105 तो अगर इसका 4 किलो खरीदते तो कितने पैसे लगते क्वेश्चन मार्क इज 4 इंटू 105 अपॉन 5 21 जा 21 इंटू 4 84 इसके 4 किलो के 84 रुपीज़ लगे इसके 4 किलो के 90 रुपीज़ लगे तो इसका बार्गेन बेटर है ना इसको 90 रुपये में 4 ही किलो मिला इसको 105 रुपये में 5 किलो मिला ऐसा है वो ओके नेक्स्ट एक मिनट डिवाइडिंग अ होल इन अ गिवन रेशियो देखो ये हमने किया है फिर भी मैं एक बार कर रहा हूँ ओके ये भी लेसन हमने इंट्रोड्यूस किया था लेकिन इतने डिटेल में क्वेश्चंस नहीं किए थे इसलिए ये लेसन कर रहे हैं हम डिटेल क्वेश्चंस ओके फॉर एग्जांपल बॉटल में 350 ml वाटर है 350 ml वाटर इट इज पोर इनटू टू ग्लासेस इन द रेशियो 2:3 रेशियो में दो ग्लास में पोर किया तो टोटल पार्ट्स कितने बने उसके टोटल पार्ट्स बने 2+3=5 ये ऐसे नहीं लिखते ये टोटल पार्ट्स बने 5 तो 5 पार्ट में से पहले क्लास में कितना गया 2 पार्ट 2/5 ऑफ 350 और दूसरे में 3/5 ऑफ 3 दिस इज 2/5 इनटू 350 570 जा तो इसलिए 140 ml गया पहले क्लास में और 3/5
ऑफ 350 3/5 × 350 × 70 जा, तो 210 ml गया सेकेंड पार्ट में, सेकेंड क्लास में, ऐसा है वो, ठीक है। तो इसने जो फॉर्मूले दिए हैं, ये फॉर्मूले हम रिमेम्बर नहीं करते, ऐसे सब काम नहीं करते हम, सिंपल रखते हैं लाइफ, ओके। नाउ एक्सरसाइज 4, डिवाइड रुपीज 100 इन द रेशियो 3:7, टोटल पार्ट्स निकाल, टोटल पार्ट्स 3 + 7 = 10, पहले वाले को कितने मिले 3, कितने में से 10 में से ऑफ 100, और दूसरे वाले को 7 आउट ऑफ 10 ऑफ, तो दिस इज 3/10 × 100, ये 0 0 गया, 3 × 10 = 30, ये है 7/10 × 100, 0 0 गया 70, ऐसे करते इसको सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट 85 इन द रेशियो 6:11, टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं 6 + 11 = 17, तो पहले वाले को कितने मिले 6 आउट ऑफ 17 ऑफ 85, और दूसरे वाले को 11 आउट ऑफ 17 ऑफ, तो दिस इज इक्वल टू 6/17 × 85, एंड दिस इज 11/17 × 85, 17 × 5 = 30, तो पहले वाले को मिले 30 पार्ट्स, दूसरे वाले को मिले 55 पार्ट, ठीक है। ग्राम इन द रेशियो 4:5, टोटल पार्ट्स कितने, टोटल पार्ट्स है 4 + 5 मतलब 9, पहले वाले को कितने मिले 4/9 ऑफ 450, दूसरे वाले को 5/9 ऑफ, तो दिस इज 4/9 × 450, 9 × 5 = 200, पहले वाले को मिले 200 ग्राम्स, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे 250, देखते हैं अभी आता है क्या, क्यों टोटल 450 है, ठीक है, तो 5/9 × 450, 950 ओके, लेट्स लुक एट डी ओवर हियर ओनली, 6655 द रेशियो 4:7, टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 + 7 = 11, पहले वाले को कितने मिले 4/11 ऑफ 6655, दूसरे वाले को 7/11 ऑफ 6655, तो ये बना 4/11 × 6655, 11 6 = 6605, 6 0 5 × 4 5 4 = 20 6 4 = 24 24 20, दूसरे वाले को कितने मिले 7/11 × 6655, 11 6 = 6605, 6 0 5 × 7 7 5 = 35 7 6 = 40 4 2 3 5, ओके। नेक्स्ट ई करते हैं, 7 kg 200 grams इन द रेशियो 3:5, तो 7 kg 200 grams को हम लिखते हैं 7 kg + 200 grams, लेकिन 7 kg है 7000 gram प्लस 200 gram विच इज 7200, इसको डिवाइड करना इन द रेशियो 3:5, टोटल पार्ट्स 3 + 5 विच इज 8, पहले वाले को कितने मिलेगा 3/8 ऑफ 7200, दूसरे वाले को 5/8 ऑफ 7200, तो ये बना 3/8 × 7200, 8 9 = 72, 9 3 = 27, 5/8 × 7200, 8 9 = 9 5 = 45,
4500 ग्राम्स। नेक्स्ट, टू लीटर 400 ml इन द रेशियो 1:5, टू लीटर 400 ml इज 2 लीटर प्लस 400 ml, 1 लीटर होता है 1000 ml, तो 2 लीटर होगा 2000 ml प्लस 400 ml विच इज 2400 ml। इसको डिवाइड करना है इन द रेशियो 1:5। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 प्लस 5, पहले वाले को कितना मिलेगा? 1/6 ऑफ 2400। दूसरे वाले को 5/6 ऑफ 2400। तो दिस इज 1/6 इंटू 2400, तो 6 400 सा 2400। तो पहले वाले को मिला 400 ml, दूसरे वाले को 5/6 इंटू 2400, 6 4 सा 5 4 सा 20, 2000 ml। ओके फाइन, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर टू ओवर हियर इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर टू, डिवाइड 4000 बिटवीन आरती एंड जूली इन द रेशियो 9:11। टोटल पार्ट्स 9 प्लस 11 20, ठीक है, आरती जूली, आरती को कितने मिलेंगे? 9/20 ऑफ 4000, जूली को 11/20 ऑफ 4000। इसको कैलकुलेट करना है बस, नहीं बाकी। तो दिस इज 9/20 इंटू 4000, 1 0 0 गया, 2 200 सा, तो 9 2 18, 1800 रुपीज। इसका है 11/20 इंटू 4000, 1 0 गया, 2 200, 11 इंटू 200, 2200। एक को मिला 1800, दूसरे को मिला 2200। नेक्स्ट, आरती जूली का प्रॉब्लम हो गया, मिस्टर कपूर का प्रॉब्लम देखते हैं। मिस्टर कपूर वांट्स टू डिवाइड 65,000 बिटवीन हिज वाइफ एंड डॉटर इन द रेशियो 5:8। टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स है 5 प्लस 8 विच इज 13। वाइफ को कितना मिलेगा? वाइफ को कितने मिलेंगे? 5 पार्ट आउट ऑफ 13, क्योंकि वाइफ एंड डॉटर इन द रेशियो 5:8, मतलब वाइफ को 5 और डॉटर को 8। 5/13 इंटू 65, एक्चुअली ऑफ लिखना चाहिए था, 5/13 ऑफ 65। डॉटर को कितने मिलेंगे? 8/13 ऑफ 65,000, तो दिस इज 5/13 इंटू 65,000, 35, 13 5 जा 65, 5000, 25,000, 8/13 ऑफ 65,000, 8/13 इंटू 65,000, 13 5 जा 5000, 8 5 जा 43,000। तो वाइफ को कितने मिले? 25,000, डॉटर को 40,000। ओके, हाउ मच मनी विल ईच ऑफ देम गेट? क्वेश्चन नंबर, अ लाइन सेगमेंट इज 48 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स इन द रेशियो 5:7। टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5 प्लस 7, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कितना है? 5/12 ऑफ 48। दूसरा कितना है? 7/12 ऑफ, तो दिस इज इक्वल टू 5/12 इंटू 48। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 5 4 जा 20, और दूसरा है 7/12 इंटू 48। 12 1 जा 12,
तो पहले पार्ट का लेंथ 20 सेंटीमीटर, दूसरे पार्ट का लेंथ 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 40 केजी 500 ग्राम ऑफ व्हीट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू टू बैग्स इन द रेशियो 8:7। टोटल व्हीट कितना है? 40 केजी 500 ग्राम। इसको मैं लिखता हूँ 40 केजी प्लस 500 ग्राम। 40 केजी कितना है? 40 × 1000 मतलब 40,000 प्लस 500, ये पूरा ग्राम्स हो गया अभी। तो ये बना मेरा 40,500 ग्राम। कितना व्हीट है मेरे पास? Is to be divided into two bags in the ratio 8:7. Total parts. Total parts 8 + 7, which is 15. पहले वाले बैग में कितना जाएगा? 8/15 of 40,500. और दूसरे बैग में 7/15 of 40,500. This is 8/15 × 40,500. So 40,500 को मुझे 15 से डिवाइड करना है। 15 × 2 = 30, 105। 15 × 7 = 105 और बचे दो जीरो लगा दो। तो 15 × 1 = 15, 15 × 27 = 40,500। 27 × 8 = 56, 8 × 16 + 5 = 21, 216, 216 double 0 grams। ये हो गया, अभी ये लेसन खत्म हो गया। लेट मी जस्ट चेक क्या क्या था, क्या क्या किया। जस्ट गिव मी 1 मिनट। पहला पेज जो था रेशो वो हो गया, दूसरा पेज टेडी बेयर वाला था वो भी हो गया, तीसरे पेज में था अपना आर्यन के पास बुक्स कितने थे वो भी हो गया, चौथा पेज है अपना इक्विवेलेंट रेशियोज का वो भी हो गया, फिफ्थ पेज है अपना डिवाइडिंग होल इन अ गिवन रेशियो एक्सरसाइज 4 ये भी हो गया, अभी लास्ट पेज बचा है, ठीक है वो करते हैं। Let's see. So, mental max देखते हैं। Ratio of the smallest prime number to the smallest composite number. Smallest prime number 2 है, smallest composite number 4 है। 2:4, 2/4, 2 ones are, 2 twos are. Answer is 1/2, 1:2. 4 kg to 400 grams. 4 kg to 400 grams, लेकिन 4 kg कितना है आपका? 4000 ग्राम = 400 ग्राम, मतलब ये हुआ 4000/10:1। The rope of length 15 meters is joined to 2 parts. Ratio of the length of 2 parts is 1:4. ठीक है, total parts कितने हैं? देखो एग्जाम में ये लिखना नहीं पड़ेगा टोटल पार्ट्स, आपको डायरेक्टली 1 + 4 = 5 करना है। तो पहले वाले का 1/5 ऑफ 15 मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन 5 3 जा, तो पहला अगर 3 है तो 15 - 3 दूसरा 12 होगा, तो रेशियो है 3:12, लेंथ रेशियो 3:12 या फिर 15 मीटर है ना, तो पहला पार्ट है 3 मीटर का और दूसरा पार्ट होगा 12 मीटर का। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पार्ट इज 12 मीटर। द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन अ क्लास इज 3:5। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 30,
देखो भैया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये फोर्थ वाला। फोर्थ वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गर्ल्स टू बाय बॉयज इज 3:5, लेकिन क्या बोलता है, बॉयज 30 है तो गर्ल्स कितने हैं? फाइव को क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, 30 आया। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 18। ओके, रिव्यू एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये काफी लंबा चला लेक्चर, 1 घंटे के ऊपर का लेक्चर है ये। ओके, राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन रिव्यू एक्सरसाइज का। ए ₹20 एंड 50 पैसे। 1 रुपया मतलब 100 पैसे, तो ₹20 मतलब 2000 पैसे और 50 पैसे। इनका रेशियो निकालना है 2000/50। 0 0 50, 5 40, दिस इज 40:1। तो रेशियो क्या है, 40:1। तो पहले वाले का आंसर आया 40:1 इसका। सेकेंड, 4 लीटर 900 ml, 4 लीटर 900 ml, 2 5600 ml। 4 लीटर मतलब 4000 ml प्लस 900 ml, ये किया है हमने इसलिए डायरेक्टली कर रहे हैं, 4900 ml और 5600 ml। इन दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब 4900/5600। 0 0 0 0, दिस इज 49/56। 7 × 7/7 × 8, 1 ज़ा 1 ज़ा 7:8। दूसरे वाले का सी करते हैं। सी फॉर कैट। 2 मीटर 40 सेंटीमीटर्स, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, 2 3 मीटर्स 80 सेंटीमीटर। यूनिट सेम चाहिए, 2 मीटर्स प्लस 40 सेंटीमीटर। 2 मीटर्स मतलब 200 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, विच इज 240 सेंटीमीटर। 3 मीटर्स प्लस 80 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ओके फाइन, तो इसका रेशियो निकालना है, मतलब 240/380 करना है। 0 0 गया, 12 × 2 19 × 2, दिस इज 12:19, 1 1। तो रेशियो क्या हुआ, 12:19, लिख दो वहां पे 12:19। नेक्स्ट, अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, 4 ही प्रॉब्लम बचे। ठीक है, ये लेक्चर को हो गया ऑलमोस्ट 1 घंटा 8 मिनट, 4 प्रॉब्लम को रहेंगे 8 मिनट। इन अ क्रिकेट कैंप 96 स्टूडेंट्स वर ट्रेंड। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? नाइन्टी सिक्स। आउट ऑफ दिस 54 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड टू प्ले फॉर वेरियस मैचेस। सिलेक्टेड कितने हुए? 54। नॉट सिलेक्टेड 96 − 54, बराबर। फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज इन लोवेस्ट टर्म्स। टोटल स्टूडेंट्स ट्रेंड टू स्टूडेंट सिलेक्टेड, पहला। टोटल स्टूडेंट्स ट्रेंड टू स्टूडेंट्स सिलेक्टेड 96:54, 96/54। अभी ये 96 फोर से जाता है, 4 2 ज़ा 8, 4 × 24, 54 फोर से जाता है क्या? नहीं, तो ये गलत हो गया। 96 टू से जाता है, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 48, 2 × 27, 2 1 ज़ा गया, 48/27। ठीक है, तो 48 6 से जाता है, लेकिन 27 6 से नहीं जाता, 48 3 से जाता है, 16 3 ज़ा 48, 27 3 से जाता है, 3 1 ज़ा। तो ये हो गया 16/9। तो व्हाट इज द रेशियो,
ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ट्रेन टू स्टूडेंट सिलेक्टेड 16:9। उसके बाद सिलेक्टेड स्टूडेंट्स टू नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, बी वाला देख रहे हैं हम। सिलेक्टेड कितने हैं? 54, नॉट सिलेक्टेड 42। तो दिस इज 54/42। देखो दोनों में 6 का फैक्टर है। 54 इज 9 × 6, 42 इज 7 × 6, 6 ones आर, तो आंसर इज 9:7। तो ये हुआ 9:2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। इन एन ऑफिस द वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 10 AM to 6 PM। ओके, वर्किंग आवर्स कितना है? वर्किंग आवर्स 10 AM to 6 PM। देर इज 30 मिनट्स लंच ब्रेक। लंच ब्रेक कितना है? 30 मिनट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ लंच टाइम टू वर्किंग आवर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो वर्किंग आवर्स कितने हैं उसके? 8 आवर्स। वर्किंग आवर्स कितने हैं? 8 आवर्स। लेकिन 8 आवर्स मतलब 8 × 60 मिनट्स। तो रेशियो ऑफ वर्किंग आवर्स, लंच टाइम टू वर्किंग आवर्स चाहिए उसको, लंच टाइम टू वर्किंग आवर्स। लंच टाइम कितना है? 30 मिनट्स। तो वर्किंग आवर्स कितना है? हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अपने को वैसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, 8 × 60 मिनट्स। तो 30/8 × 60, 31 जा 32, आंसर इज 1/16, 1:16। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ₹46,000 has to be distributed in Rohit and Aman in the ratio 9:14. Total parts कितने? 9 + 40, which is 23. Rohit 9/23 of 46,000. और Aman, Aman को मिलेंगे 14/23 ऑफ 46। तो ये बनेगा आपका 9/23 × 46,000। 23 × 2 = 46 = 2,000, 9 × 2 = 18,000। और ये बनेगा 14/23 × 46,000, 23 × 2 = 2,000, 14 × 2 = 28,000। तो रोहित को कितने पैसे मिले? रोहित को मिले 18,000, अमन को मिले 28,000। नेक्स्ट, ओके लास्ट हो गया। रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग्स ऑफ मिस्टर शर्मा इज 7:3। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ये, ऐसे वाला। ठीक है, तो इनकम कितना है उसका, इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है नहीं, ऑड्स के दो क्वेश्चन बचे हैं। इनकम टू सेविंग्स कितना है रेशियो? 7:3। सेविंग्स 36,000 है, तो इनकम कितना है? बॉक्स 3 को किससे मल्टीप्लाई किया 36,000 मिला? 12,000। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12,000 से। तो क्या मिलेगा अपने को? 84,000। कितना उनका इनकम मिस्टर शर्मा का? 84,000। नेक्स्ट, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 इन हॉर्स। डिवाइड 30,100 अमंग प्रदीप, समीर एंड प्रकाश इन सच अ वे दैट प्रदीप गेट्स डबल ऑफ व्हाट समीर गेट्स एंड समीर गेट्स डबल ऑफ व्हाट प्रकाश गेट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, देखते मेरे को जमता है। देखो प्रदीप, समीर और प्रकाश, प्रदीप गेट्स डबल ऑफ व्हाट समीर गेट्स एंड समीर गेट्स डबल ऑफ व्हाट प्रकाश गेट्स। मतलब प्रकाश को अगर n मिला तो समीर को 2n और प्रकाश को 4n,
तो ये तीन का रेशो कितना है? फोर इज टू टू इज टू वन, ऐसा है वो। मतलब प्रकाश को 1 रुपया मिला तो प्रदीप को 4 रुपए, समीर को 2 रुपए, ऐसा फंडा है वो। टोटल पार्ट्स कितने हुए? टोटल पार्ट्स कितने हुए? 4 + 2 + 1 = 7। प्रदीप को कितना मिल रहा है? ओके, प्रदीप को कितना मिल रहा है? 4/7 ऑफ 30,100, विच इज इक्वल टू 4/7 इंटू 30,100। 7 4s are 28, 7 3s are 21, 4,300, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 17,200 rupees। इतने पैसे प्रदीप को मिले, समीर को कितने मिले? समीर को मिला 2/7 ऑफ 30,100, विच इज 2/7 इंटू 30,100। तो 30,100 अपॉन 7, 4,300 ही हमने देख लिया है। 4,300 इंटू 2, 8,600 रुपीज किसको मिले? समीर को। और प्रकाश को कितने मिले? प्रकाश को कितने मिले? प्रकाश को मिले 1/7 ऑफ 30,100, विच इज 1/7 इंटू 30,100। ये तो हमने निकाल लिया है 4,300 है करके, तो दिस इज 4,300 रुपीज। ये हर एक का शेयर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा लेसन था अभी तक का। 1 घंटा 16 मिनट हो गए और बचे ही है, एक क्वेश्चन बचा ही है अभी। देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टी टू कॉफी। टी कॉस्ट ₹85 पर केजी एंड कॉफी कॉस्ट ₹3.40 पर 10 ग्राम। क्वेश्चन नंबर टी के लिए कितना है कॉस्ट? ₹85 क्वांटिटी 1 kg, मतलब 1000 grams। तो 1000 grams का 85 रुपीज है कॉस्ट। अभी देखो क्या कर रहा हूँ। कॉफी कॉस्ट ₹3.40 फॉर 10 grams कॉफी के लिए कॉस्ट रुपीज 3.40 क्वांटिटी 10 ग्राम। तो 1000 ग्राम कॉफी का कॉस्ट कितना होगा? क्वेश्चन इज 3.40 इंटू 1000 अपॉन 10, 0 0 गया, यहाँ पे 2 0 बचे इसलिए छतरी 2 बार घूमेगी, तो आंसर इज 340 रुपीज। तो कॉफी का कॉस्ट है 1000 ग्राम के लिए 340 रुपीज, 340 रुपीज फॉर 1000 ग्राम। और यहाँ पे टी का, ये कॉफी का है, और टी का कितना है? 85 रुपीज फॉर 1000 ग्राम। तो अभी अपने को उनका कॉस्ट कंपेयर करना है, रेशियो ऑफ प्राइस कंपेयर करना है। इसका टी टू कॉफी, टू कॉफी, तो ये होगा आपका 340 is to 85, या 340/85। 85 है 17 into 5, और 345 है 17 into 20। 5 1s are 5 2s are 5 4s are, तो ये होगा 4 is to 1। तो टी टू कॉफी का रेशो क्या है? कॉस्ट ऑफ टी टू कॉफी का रेशियो क्या है? 4 is to 1। ये गलत हो गया शायद, टी टू कॉफी 340 is to 85 नहीं, गलत हो गया, ये 85 is to 340 है, सॉरी। ओके, लास्ट प्रॉब्लम, टी टू कॉफी कितना है? 85 is to 340।
85 अपॉन 34, विच इज 85 को क्या लिखा हमने, 17 इंटू 5, 340 का 17 इंटू 20, 1 जा 1 जा 5 अपॉन 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो ये आंसर होगा आपका 1:4. ओके, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेसन.